डाउनलोड एंड रिकंसाइल GSTR 1। इस चैप्टर में हम GSTR 1 को डाउनलोड करने के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कैसे आप उसे रिकंसाइल कर सकते हैं उसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ऑटो डाउनलोड को भी डिस्कस करेंगे एंड मैनुअल डाउनलोड को डिस्कस करेंगे। वंस डेटा जब हम डाउनलोड कर लेंगे, सेव कर लेंगे, उसके बाद हम रिकंसिलेशन देखेंगे कि बिजी में क्या डेटा आपका एंटर्ड है और क्या डेटा जो आपने जेसन फाइल या फिर पोर्टल पे आपने अपलोड किया है वो सेम है या उसमें कोई मिसमैच है। तो ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा स्टेप वन होगा GST कॉन्फ़िगरेशन इन बिजी। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस, GST बैट टैब में जाएंगे। यहाँ पे GST पोर्टल यूजर नेम में हम अपना यूजर नेम स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए जो आप यूजर नेम बताते हैं वो आप यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। ये आपका रिक्वायर्ड होगा GSTR 1 डाउनलोड करने के लिए। सेव बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। तो ये तो हुई हमारी बिजी में कॉन्फ़िगरेशन, कि बिजी में हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि GST पोर्टल पे क्या कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है। इसके लिए हम GST पोर्टल पे जाएंगे, gst.gov.in, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड स्पेसिफाई करेंगे एंड लॉगिन बटन क्लिक करेंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड टॉप पे आप देख सकते हैं माय प्रोफाइल ऑप्शन आ रहा है, उसे आप क्लिक करेंगे। माय प्रोफाइल ऑप्शन को क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे मैनेज API एक्सेस एक ऑप्शन दी हुई है। मैनेज API एक्सेस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एनेबल API रिक्वेस्ट में आप यस स्पेसिफाई करेंगे एंड यहाँ पे पोर्टल पे पूछा गया है ड्यूरेशन 6 hours या 30 days, यानी कि कितनी देर के लिए जो OTP है वो आपका वैलिड होगा। यदि आप 6 hours सिलेक्ट करते हैं तो आफ्टर एवरी 6 hours आपको एक न्यू OTP प्रोवाइड करना पड़ेगा यदि आप बिजी से ऑटो डाउनलोड करते हैं फाइल्स को। लेकिन यदि आप यहाँ 30 days बताते हैं तो वंस आपने एक बार OTP स्पेसिफाई किया, फर्स्ट फाइल डाउनलोड करी, उसके बाद 30 days तक आपको OTP एंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप ऑटोमेटिकली फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन स्पेसिफाई करने के बाद आप कंफर्म बटन प्रेस करेंगे। ये तो प्रोसेस था ऑटो डाउनलोड ऑफ GSTR 1 जेसन फाइल्स के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे मैनुअल डाउनलोड यदि आपको करनी है जेसन फाइल्स, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। यहाँ पे आप क्वार्टर बताएंगे, पीरियड बताएंगे, सर्च बटन क्लिक करेंगे, डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज में डाउनलोड ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। ये डाउनलोड बटन प्रोवाइड करा गया, इसे क्लिक करेंगे, जेनरेट जेसन फाइल टू डाउनलोड बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद क्लिक हियर टू डाउनलोड फाइल 1 ऑप्शन आएगा, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे एंड आप बॉटम में देख सकते हैं कि एक फाइल जो है आपके कंप्यूटर पे सेव हो रही है। ये फाइल जो है आपके कंप्यूटर पे सेव हो जाएगी, यानी कि पोर्टल पे अब आपकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है मैनुअल डाउनलोड के लिए भी। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप बिजी में डेटा को रिकंसाइल कर सकते हैं। इसके लिए हम ट्रांजेक्शन्स, GST मिसलेनियस यूटिलिटीज में डाउनलोड GSTR जेसन डेटा में डाउनलोड GSTR 1 ऑप्शन में जाएंगे। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर ये एक विंडो अपीयर हो रही है। यहाँ पे टॉप पे 2 ऑप्शंस है, ऑटो डाउनलोड एंड मैनुअल। हमने दोनों की ही कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर ली कि पोर्टल पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है। अब बिजी में आप ऑटोमेटिकली कैसे डाउनलोड करेंगे एंड मैनुअली कैसे डाउनलोड करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ऑटो डाउनलोड ऑप्शन सिलेक्ट करने पर एक विंडो अपीयर होगी जिसमें कि आपको OTP प्रोवाइड करना होगा, जो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया है। ये जो OTP है वंस आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, इसके बाद 30 days तक वैलिड होगा क्योंकि हमने ड्यूरेशन स्पेसिफाई करी थी 30 days तक। यानी अब 30 days तक आज की जो डेट है उसे 30 days तक आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो आपको OTP एंटर नहीं करना। यदि ये ड्यूरेशन आपने 6 hours सिलेक्ट करी होती तो आफ्टर एवरी 6 hours आप कुछ डाउनलोड करते तो आपको OTP बताना होता। हमने यहाँ पे अप्रैल मंथ के लिए, मई मंथ के लिए, जून मंथ के लिए फाइल्स डाउनलोड करी, डाउनलोड बटन पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे ये लेबल में शो भी करता है कि ये फाइल्स जो है डाउनलोड हो गई हैं, सेव हो गई हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैनुअल ऑप्शन को। यहाँ पे हम मैनुअल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मैनुअल फाइल्स डाउनलोड करने के लिए आपको एवरी मंथ के लिए वो फाइल का पाथ स्पेसिफाई करना होगा जो फाइल हमने पोर्टल से डाउनलोड करी थी। हमने एक फाइल पोर्टल से भी डाउनलोड करी थी, उसका पाथ हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया अप्रैल मंथ के लिए। सिमिलरली जिस मंथ के लिए भी आपको फाइल्स डाउनलोड करनी है तो ऐसे आपको पाथ स्पेसिफाई करना होगा जो फाइल आपने पोर्टल से अपने कंप्यूटर पे सेव करी थी। इसके बाद आप सेव बटन प्रेस करेंगे। बिजी ने एक मैसेज शो किया GSTR 1 सेव सक्सेसफुली, यानी कि अप्रैल के लिए जो GSTR 1 है वो जो है आपकी डाउनलोड हो गई, आप कह सकते हैं सेव हो गई है।
ये तो हुआ हमारा फाइल्स डाउनलोड का प्रोसेस कि हम ऑटोमेटिकली कैसे फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैनुअली। अब हम देखेंगे कि हम डेटा को रिकंसाइल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में ही रिकंसाइल जीएसटीआर डेटा में रिकंसाइल जीएसटीआर वन ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ बिजी ने पूछा मंथली या क्वार्टरली, तो जो भी आपके रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। यदि आपने फीचर्स ऑप्शन में रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी मंथली या क्वार्टरली सिलेक्ट करी होगी तो ये मैसेज नहीं आएगा। यदि वहां पे आपने नॉट नोन बताई होगी तो बिजी यहाँ पे पूछेगा कि मंथली या क्वार्टरली। इसके बाद हमने स्टार्टिंग मंथ एंडिंग मंथ बताया, इग्नोर डिफरेंस ऑफ अमाउंट अप टू रुपीज इन ड्रिल डाउन रिपोर्ट, कितने रुपीज तक का जो डिफरेंस है वो इग्नोर करना है वो आप बता सकते हैं। स्किप एचएसएन समरी, यदि आप इस फील्ड में ये स्पेसिफाई करते हैं तो आप एचएसएन समरी रिपोर्ट में नहीं व्यू कर पाएंगे। यदि आप इसमें नो स्पेसिफाई करते हैं तो एचएसएन कोड वाइज डिटेल्स जो हैं शो होंगी रिपोर्ट। स्किप डॉक्यूमेंट समरी, इस फील्ड में यदि आप ये स्पेसिफाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट समरी रिपोर्ट में नहीं शो होगी, एंड यदि आप नो स्पेसिफाई करते हैं तो वाउचर नंबर वाइज डिटेल्स जो हैं वो रिपोर्ट में शो होंगी। उसके बाद फील्ड है चेक फॉर मिसमैच टिल इनवॉइस लेवल, यानी कि इनवॉइस लेवल तक आपको यदि कोई मिसमैच डिटेल्स मिल रही है तो वो चेक करनी है, एंड शो एग्जेम्प्ट एनआर ZR एंट्रीज इन टैक्सेबल इनवॉइस सेपरेटली। यदि आप इस फील्ड में ये स्पेसिफाई करते हैं तो आपकी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें टैक्सेबल एंट्रीज भी हैं एंड एग्जेम्प्ट नल रेटेड या जीरो रेटेड एंट्रीज भी हैं तो वो दोनों अलग अलग शो होंगी, यानी कि जो टैक्सेबल एंट्रीज होंगी वो टैक्सेबल सेक्शन के अंडर दिखाई देंगी एंड जो नल रेटेड जीरो रेटेड या एग्जेम्प्ट होंगी वो इस सेक्शन में आएंगी। यदि आप इसमें नो स्पेसिफाई करते हैं तो ये सारी एंट्रीज इकट्ठे ही शो होंगी, टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल अलग से व्यू नहीं होंगी उस पर्टिकुलर वाउचर के लिए जिसमें कि दोनों तरह की एंट्रीज है। ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके बटन प्रेस करने पर रिकंसाइल जीएसटीआर वन विंडो अपीयर होगी। इस विंडो में आप देख सकते हैं सबसे पहले सेक्शन नेम है, देन टाइप, टाइप में बिजी एंड जेसन, यानी कि हर एंट्री हर सेक्शन के लिए दो रोज होंगी, एक जो एज पर बिजी डेटा शो कर रही होगी और एक जो एज पर जेसन डेटा शो कर रही होगी। तो एज पर बिजी टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट, एंड सिमिलरली एज पर जेसन कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, इनवॉइस वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, ये सारी डिटेल्स आएंगी। यहाँ पे एंटर की प्रेस करने पर बिजी ने पूछा कि आपको सिर्फ कंपैरेटिव डेटा देखना है या फिर सिर्फ मिसमैच डेटा। यदि आप कंपैरेटिव ऑप्शन शो करते हैं तो जो फर्दर रिपोर्ट है उसमें सारी ही एंट्रीज होंगी, यानी कि कंप्लीट डेटा आप उसमें व्यू कर सकते हैं। देखिए हमने कंपैरेटिव बटन पे क्लिक किया तो सभी एंट्रीज बिजी ने शो कर दी। पार्टी वाइज ये एंट्रीज हैं कि इस पर्टिकुलर पार्टी की ये इनवॉइस अमाउंट है, इतना टैक्सेबल अमाउंट है। यहाँ पे जो एंट्रीज मिसमैच होंगी यानी कि डेटा में कुछ एरर होगा जिसे, तो वो रेड कलर में अपीयर होंगी। आप देख भी सकते हैं रेड कलर में एक एंट्री है, उसमें एज पर बिजी जीरो इनवॉइस है बट एज पर जेसन वन इनवॉइस है। यदि आप मिसमैच ओनली डेटा देखते हैं तो ये सिर्फ वही डेटा शो करेगा जहाँ पे डेटा में कुछ मिसमैच है। ये पार्टी वाइज रिपोर्ट है तो इस पर्टिकुलर पार्टी के लिए आप देख सकते हैं एज पर बिजी जीरो इनवॉइसेस हैं लेकिन एज पर जेसन वन इनवॉइस है। इसके बाद यहाँ पे हमने अगेन एंटर की प्रेस करी तो आप देख सकते हैं एक बिजी डेटा का ऑप्शन और आ रहा है। बिजी डेटा ऑप्शन को यदि आप क्लिक करते हैं तो एज पर बिजी जितनी भी एंट्रीज हैं, यानी कि एज पर बिजी डेटा जो लिस्ट है वो नजर आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर एक जेसन डेटा की भी ऑप्शन आती है, यदि आप उसे क्लिक करेंगे तो एज पर जेसन आपका जो भी लिस्टिंग है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेटा को रिकंसाइल कर सकते हैं कि बिजी में आपका क्या रिकॉर्ड है, जेसन में क्या रिकॉर्ड एंटर्ड है, यदि कोई मिसमैच एंट्रीज है वो देख सकते हैं, लिस्टिंग देख सकते हैं एज पर बिजी डेटा, लिस्टिंग देख सकते हैं एज पर जेसन डेटा। तो कंप्लीट रिकंसिलेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं डेटा का। तो इस चैप्टर में हमें यही डिस्कस करना था कि कैसे आप ऑटो डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटीआर 1 को, मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटीआर 1 को, एंड किस तरीके से आप डेटा रिकंसाइल कर सकते हैं। और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।